हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास लेसन 6 प्लेइंग इज फन में हमने पढ़ा कि इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन दैट पॉइंट थ्रू सम पिक्चर्स. फर्स्ट पॉइंट इज इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स आर दोज गेम्स दैट कैन बी प्लेड इनसाइड द हाउस, जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं. दैट आर इंडोर गेम्स, उनको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स, जो घर के अंदर खेले जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ इंडोर गेम्स. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ चेस. आप चेस की पिक्चर देख रहे हैं. चेस ऐसा गेम है दैट कैन बी प्लेड इनसाइड अ रूम. चेस ऐसा गेम है जो रूम के अंदर भी खेला जा सकता है. सो इट इज़ अ इंडोर गेम. नेक्स्ट यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड इज ऑल्सो अ गेम दैट कैन बी प्लेड इनसाइड अ रूम. कैरम बोर्ड भी एक ऐसा गेम है जो हम रूम के अंदर खेल सकते हैं. सो इट इज़ अ इनसाइड, इट इज़ अ इंडोर गेम. नेक्स्ट यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ लूडो गेम. लूडो गेम इज ऑल्सो अ इंडोर गेम बिकॉज इट कैन बी प्लेड इनसाइड अ रूम. लूडो गेम भी हम एक रूम के अंदर बैठ के खेल सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ इंडोर गेम. नेक्स्ट वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ स्नैक एंड लेडर. स्नैक एंड लेडर गेम इज ऑल्सो अ इंडोर गेम बिकॉज वी कैन प्ले स्नैक एंड लेडर इनसाइड अ रूम. स्नैक एंड लेडर भी हम रूम में बैठ के खेल सकते हैं. सो इट इज़ अ इंडोर गेम. इसलिए ये भी कौन सा गेम हुआ? इंडोर गेम. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्नूकर. स्नूकर भी एक ऐसा गेम है दैट कैन बी प्लेड इनसाइड अ हाउस और वी कैन प्लेड इनसाइड अ रूम. सो इसको, इसके लिए भी दैट अ स्मॉल स्पेस इज नीडेड. इसके लिए भी कम स्पेस की ज़रूरत होती है, छोटे स्पेस की. सो स्नूकर इज ऑल्सो अ इंडोर गेम. स्नूकर भी एक इंडोर गेम है जिसको हम घर के अंदर खेल सकते हैं. नेक्स्ट गेम इज टेबल टेनिस. टेबल टेनिस भी एक ऐसा गेम है जिसको कम स्पेस की ज़रूरत होती है. एंड वी कैन प्ले टेबल टेनिस इनसाइड अ हाउस. टेबल टेनिस को हम घर के अंदर खेल सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ इंडोर गेम. सो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स जितनी भी आपने, जितने गेम की आपने पिक्चर्स देखी है, उनको कम स्पेस की ज़रूरत होती है खेलने के लिए और उनको हम घर के अंदर खेल सकते हैं. सो ये कौन से गेम हुए? इनको हम बोल सकते हैं इंडोर गेम्स बिकॉज ये घर के अंदर खेले जाते हैं. सो ये कौन से गेम हुए? इंडोर गेम्स. नेक्स्ट वी कैन टेक आउटडोर गेम्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं. फर्स्ट वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ क्रिकेट गेम. अब देखिए, क्रिकेट एक घर के अंदर हम नहीं खेल सकते हैं, एक रूम में नहीं खेल सकते हैं बिकॉज क्रिकेट के लिए एक बिग ग्राउंड की ज़रूरत होती है, बड़े प्ले ग्राउंड की ज़रूरत होती है. सो क्रिकेट कौन सा गेम हुआ? क्रिकेट हुआ आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी हॉकी. हॉकी के लिए भी एक बड़े ग्राउंड की ज़रूरत होती है और हॉकी को हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं. सो वह गेम मैंने बताया दैट वह गेम जो हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, जिनको खेलने के लिए बड़े ग्राउंड की ज़रूरत होती है, घर के बाहर खेले जाते हैं, उनको बोलते हैं आउटडोर गेम्स. सो हॉकी भी कौन सा गेम हुआ? आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ फुटबॉल. फुटबॉल इज़ ऑल्सो आउटडोर गेम्स बिकॉज फुटबॉल को भी हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, फुटबॉल के लिए भी एक बिग ग्राउंड की ज़रूरत होती है, बड़े ग्राउंड की ज़रूरत होती है. सो फुटबॉल इज़ ऑल्सो अ आउटडोर गेम. नेक्स्ट वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ वॉलीबॉल. वॉलीबॉल इज़ ऑल्सो वॉलीबॉल ऑल्सो नीडेड अ बिग प्लेस. वॉलीबॉल को भी एक बड़े प्लेस की ज़रूरत होती है, बिग ग्राउंड की ज़रूरत होती है खेलने के लिए. सो वॉलीबॉल इज़ ऑल्सो अ आउटडोर गेम. नेक्स्ट वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ टेनिस. अब आप देख रहे हैं टेनिस. टेनिस भी एक ऐसा खेल है जिसको हम कहाँ खेल सकते हैं? बिग ग्राउंड में, बड़े ग्राउंड में. और टेनिस को हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, इसलिए टेनिस भी कौन सा खेल हुआ? टेनिस भी आउटडोर गेम हुआ. सो स्टूडेंट्स,
अब आपको समझ में आ गया होगा इन पिक्चर्स के थ्रू दैट वो गेम दैट वी कैन प्ले इनसाइड द हाउस, वो गेम जिनको हम घर के अंदर खेल सकते हैं वो कौन से गेम हुए, इंडोर गेम्स, एंड द गेम्स दैट कैन नॉट बी प्ले इनसाइड द हाउस दैट कैन बी प्लेड इन अ बिग ग्राउंड एंड आउट ऑफ आवर हाउस, जिनको हम हमारे घर से बाहर खेलते हैं और उनको घर के अंदर नहीं खेल सकते, उनको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। सो स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं। आपको जितने भी इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है वीडियो के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ दीज गेम्स। थैंक यू।